से देखें तो जितना खर्च कोई आम आदमी धूम्रपान में करता है उतने खर्च में उसका पूरा परिवार प्रतिदिन जूस पी सकता है, जिससे परिवार की सेहत भी अच्छी रहती है और पैसों की। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम त्रिकालदर्शी में। और विश्व विख्यात टेलीविजन के इतिहास में पहली बार एस्ट्रोलॉजी को लाने वाले और ऐसे कई कारनामे हैं जिनको सुनकर हम गर्व करते हैं। और क्योंकि हमारे साथ खुद हैं विश्व विख्यात पंडित सुभाषित राज जी, जो लगातार त्रिकालदर्शी के जरिए आपसे रूबरू होते हैं, तो हमसे सबसे पहले स्वागत करते हैं पंडित जी का। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद और प्रणाम। तो वाकई कहीं ना कहीं से हम कह सकते हैं कि जो संस्कार होते हैं वही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं कि किस मार्ग पर जा सकते हैं। लेकिन अगर हम पंडित जी की बात करें तो पंडित जी ने हमेशा से इस तरह की भविष्यवाणी की है जिसको लोग अपने दिल के करीब पाते हैं। अगर हम इन मुंबई की बात करें तो इन मुंबई में इनका शो आता था, फिर सहारा पर इनका शो आता था, अखबार दोपहर का सामना में भी लंबे अंतराल तक इनका कॉलम छपता रहा, और आज की तारीख में लेमन के त्रिकालदर्शी पर बाबा पंडित जी आपके लिए समय निकालते हैं, और जो कि कहीं ना कहीं से ये प्रेरणा देने का काम करता है। इनका साथ मिलता है तो लोगों को लगता है कि वाकई जिंदगी में जो दुविधाएं हैं उसको सुविधाएं में किस तरह से बदल सकते हैं। लेकिन अगर हम जिंदगी की बात करते हैं तो कहा जाता है कि जिंदगी तब पूरी होती है जब किसी की शादी होती है, लेकिन आजकल शादी को लेकर किस तरह की धारणाएँ हैं ये हम पंडित जी से सबसे पहले जानना चाहेंगे। कि पंडित जी, आज की तारीख में अगर हम मुहूर्त की बात करें, शादी की बात करें, तो सबसे पहले ये बताइए कि आज की तारीख में जो शादी करने वाले लोग हैं, लड़के लड़कियाँ, उनको आप किस तरह से समझाएंगे? भाई, कुंवारे और कुंवारियों के लिए जो समय अभी 1.5 साल का शुरू होने वाला है, ये एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें शादी विवाह या हर वो काम जो कहीं ना कहीं शुभ बातों से संबंध रखता है वो रुकेगा। जी, अभी फिलहाल जो स्थिति है ग्रह की उसको तो पहले समझ लें, उसके बाद हम बात करते हैं जी कि कहाँ पे हम जा रहे हैं और कहाँ से हम आएंगे। देखिए, कुंवारे कुंवारियों के लिए जो विवाह हेतु जो मुहूर्त है वो 14 जुलाई 2015 से 16 नवंबर 2016 तक गुरु का जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश हो जाएगा ये बाधक हो जाएगा जी। और ये मान्यताएं हैं हिंदू मत के मुताबिक, और मानना है आप तो इसे जो मानने वाले हैं वो मानते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इसका असर उन व्यापारियों पर भी पड़ेगा जो इससे संबंधित काम करते हैं जी। तो कुल मिला के हम ये बोलेंगे गुरु का सिंह राशि में जैसे ही प्रवेश होगा ये वर्जित हो जाएगा, अभी देर है और ये 14 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी जी। इधर हम आते हैं और आके ये देखते हैं कि फिलहाल जो ग्रह स्थिति है उसमें सूर्य मंगल और बुध का जो कॉम्बिनेशन है जी, ये अंगार योग को पैदा कर रहा है, और सूर्य गाइड होता है, संबंध रखता है दिल्ली के तख्ते ताऊस से, यानी कि वहां बैठने वाला जो एक नंबर का व्यक्ति है जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी, दूसरे नंबर पर केजरीवाल जी, जी और ये दोनों जो अलग अलग पार्टियां वहां राज्य कर रही हैं, फिलहाल पावर इनके हाथ में है, कॉन्सेंट्रेट है और ये आगे बढ़ रही हैं, दोनों पर इसका असर हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कोर्ट कचहरी रोज कोई ना कोई लीगल मैटर की शुरुआत, किसी की कोई बेइज्जती कर रहा है यानी कि तारीफ भी कर रहा है जी। तो कुल मिला के जो देश जिस तरह से चलना उसका असर पूरे हिंदुस्तान पे पड़ रहा है, ये जिस तरह की एक्टिविटीज वहाँ होती है उस तरह जनता पर इसका पूरा असर पड़ता है। तो जनता के लिए कुछ काम दिख नहीं रहा है कि कोई काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, उसकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ पावर क्लैश हो रहा है, पावर क्लैश जी, कि हम बड़ा कि तुम बड़ा, कि तुम बड़ा कि हम बड़ा। ये जनता इसके लिए इन लोगों को चुन के नहीं लाई थी कि हम बड़ा तुम बड़ा कीजिए, जनता लाई थी इनको काम के लिए, इनको पावर इसलिए दिया गया था, इनको इसलिए चुना गया
कि ये कुछ काम करे और लोगों जनता की भलाई करे जी। तो ये जो सहयोग है इसको हम ग्रह से जरूर जोड़ते हैं, क्योंकि अंगार योग है, सूर्य और मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन वृषभ राशि पर बैठा हुआ है और ठीक उसके सामने वृश्चिक राशि पर शनि महाराज विराजे हुए हैं। वहाँ शनि और मंगल की उत्पत्ति होती है, यानी कि शनि मंगल के घर में होने के कारण, एक दूसरे के आमने सामने होने के कारण हम सुन सुन के परेशान हैं, अलग अलग रूप ले रहे हैं। जैसा कि अभी उठाया झाड़ू और उस पे हुए झगड़े, तो ये झाड़ू की लड़ाई चल रही है, सफाई की लड़ाई चल रही है, जो कामगार हैं उन्हें समय पर पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, तो ये सब जो हो रहा है ये सब तो कुछ अजीब ही हो रहा है। अगर आप 20 साल 15 साल पहले इस हिंदुस्तान को देखिए तो कब कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की बातें एक दिन इस देश को भुगतनी पड़ेगी। तो ये है कि राजा के सितारे जब मजबूत होते हैं तो प्रजा सुखी होती है। बिल्कुल। और पंडित जी, अगर हम नंबरों की बात करें तो नंबर भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके जीवन में। कई बार हम लड़ जाते हैं कि नंबर वन कौन है, नंबर वन हम हैं या नहीं है, तो उसको लेकर एक प्रतिद्वंदिता शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम 13 नंबर की बात जब भी करते हैं तो बहुत सारी अवधारणाएं मन में आती हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या ये अशुभ है, नंबरों का क्या चक्कर? पंडित जी देखिए, नंबर का चक्कर तो है न्यूमरोलॉजी, जैसे एस्ट्रोलॉजी है वैसे एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र है, ये आंकड़े के ये कैलकुलेशन के मुताबिक चलता है, मैथमेटिक्स है पूरा का पूरा। हम जन्म से मृत्यु तक जो है हमारी कुंडली काम करती है। उसके बाद आता है न्यूमरोलॉजी, एक आंकड़ा है जिसमें हमारा जन्म का दिन, जैसे किसी का 8 जनवरी को हुआ, किसी का 4 फरवरी को हुआ, किसी का 1 तारीख को हुआ, किसी का 5 तारीख को हुआ, कई तारीखें हैं जिसमें हम जन्म लेते हैं और उसके मुताबिक वो नंबर हमें कहीं ना कहीं से फॉलो करता है, एक आंकड़ा है। न्यूमरोलॉजी भी अपने आप में कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से हमें दिखाती है कि हम अभी आपके लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो नंबर काम करते हैं। कुल मिला के 13 नंबर की धारणा ऐसी हो गई है कि अमेरिका में कोई फ्लैट था, कोई जगह थी जहाँ पे जो भी इंसान वहाँ गया रहने के लिए उसके साथ बहुत बड़े बड़े हादसे हुए जी। तो ये एक भ्रम फैल गया पूरे तरीके से यूएसए में कि भाई इस तरह की 13 नंबर का जो चक्कर है ये बड़ा ही बुरा है, इसलिए 13 नंबर के दिन, ये जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ ये 13 तारीख है और जो भी बात हो रही है 13 तारीख को 13 नंबर की बात हो रही है, ये धारणा बैठ गई कि 13 नंबर से हमें दूर रहना चाहिए और लोग इसको इस मान्यता को मान के चल रहे हैं और जैसा आप मानेंगे वैसा कुछ अफेक्ट वैसा ही आएगा। वैसे हमने भी आजमाया है कि 13 नंबर जो है वो जरूर थोड़ा कभी कभी ना कभी संतोष जी अनलकी रहता है। बिल्कुल। तो आप अगर मानते हैं तो मानिए कि 13 नंबर का आंकड़ा आपके लिए शुभ है, नहीं मानते हैं तो नहीं मानिए कि आपके लिए अशुभ है। बिल्कुल जी। तो मानने की बात है, अगर आप मानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप सही जा रहे हैं। लेकिन कई बार पंडित जी अविश्वास पैदा हो जाता है, अंधविश्वास का बढ़ावा देने वाली घटनाएं आती है, जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कौवा ने चोंच मार दिया, उल्लू की जो आंखें होती हैं, या फिर सियार रोता है, कुत्ता रोता है, तो इसको लेकर बहुत अजीबोगरीब सवाल उठते हैं मन में। इसके पीछे आप जानना चाहेंगे कि ये जो सवाल उठते हैं उसके पीछे क्या राज होता है? ये पूरी जो धरती है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये अपने आप में एक राज है। अभी तक हम उस राज तक नहीं पहुंच सके, नहीं जान सके इंसान कहां से आता है और कहां चला जाता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो छिपी हुई हैं, जिसके पीछे कौतूहल बना हुआ है कि इंसान उसको खोज रहा है कि ये कहाँ पे है, सच्चाई क्या है। कुल मिला के अब हम आते हैं बिल्ली का रास्ता काटना। तो लोग मान्यता है कि बिल्ली का रास्ता काटना राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, दाहिना से बाएं और बाएं से दाहिना, तो ये जो है ऐसा लोगों ने महसूस किया है कि बिल्ली अगर आपके लेफ्ट साइड से बाएं साइड से अगर दाहिने की तरफ जाती है और अचानक आप कोई काम करने के लिए जा रहे हैं तो वो काम आपका बन जाएगा या यात्रा आपकी अच्छी होगी या जो भी मान्यता आप लेके जो भी काम लेके जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी जी। तो ये है, तो बाएं से दाहिना और दाहिने से अगर बाएं तरफ आते हैं तो आपको उसी वक्त रुक जाना चाहिए। अगर कोई बड़े सफ़र पे जा रहे हैं तो आप उसके बारे में सोचें, हम तो नहीं कहेंगे कि आप बिल्कुल सफ़र कैंसिल कर दीजिए, लेकिन अविश्वास और विश्वास की बात है, समझना आपको है कि क्या करना चाहिए। वैसे मान्यता बोलती है कि दाहिने से बाएं तरफ जाने वाला जो मसला है वो बहुत ही अशुभ है जी। आगे आपने एक सवाल और किया, बिल्ली के बाद उल्लू का की जो आंखें दिखती है, कौवा चोंच मार देता है, कौवा कुत्ते रोते हैं, संकेत है बड़ा भयंकर संकेत है। कौवा अगर आपके सर के ऊपर अगर चोंच मार दिया अचानक आके, बिल्कुल
कहीं से कुछ लेना देना नहीं, आप चले जा रहे हैं। एक डॉक्टर ने मुझे बताया था कि वो किसी फेटी स्टेशन पे वो जा रहे थे और कौवे ने जो है उनके सर पे चोंच मारा, और हमारे पास वो आए थे इस प्रॉब्लम को लेके, चोंच मारा और कौवा उड़ गया, और अगले एक घंटे में खबर आई कि उनका जो लड़का है उसका देहांत हो गया। अच्छा, तो कुछ संकेत कौवा देता है, लेकिन लेकिन अंतिम संकेत देता है कौवा, ऐसे ऐसे कौवा सिर्फ अशुभ संकेत ही देगा, शुभ नहीं देगा। आप अगर किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और काम बन जाए, कौवा ने चोंच मारा, ये नहीं होगा। ये मान्यता और धारणाएं नहीं है, ये धारणाएं और मान्यताएं हैं कि कौवा अगर चोंच मार दिया तो आपका बुरा होना ही होना है, या कहीं बुरी चीज आपका इंतजार कर रही है। उसी तरह अगर कुत्ते की रोने की आवाज आती है, सियार की आवाज आती है, तब भी जी जी हाँ, देखिए देखिए, कुत्ते के बारे और सियार के बारे में भी मान्यताएं जो है वो बहुत अपने आप में सत्य है। सियार कुत्ता के अंदर एक सेवन सेंस या एट सेंस की कुछ न कुछ कुंडलनी है, जिसके कारण कुत्ते को अगर भूचाल आने वाला है, सृष्टि में कहीं भूचाल आएगा तो कुत्ता उस गांव में या उस जगह पे रोना शुरू कर देता है। उसे कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन नेचर से मिलता है, तो कुत्ते को भी जानकारी होती है, और कुत्ता जब रोता है तो आप कितना बच पाएंगे ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो संकेत देता है, कुत्ता ज़रूर संकेत देता है। और सियार अगर सुबह के टाइम में, यानी कि एकदम जब जिस समय कि सवेरा हो रहा हो 6 बजे, अगर वो रोता है तो बहुत बड़ा संहार होता है, कोई ना कोई महामारी होती। पहले ज़माने में तो बहुत बड़ी बड़ी महामारियाँ हुआ करती थी, अब तो वो कंट्रोल में आ गई हैं बीमारियाँ। तो इस तरह से ये सियार का रोना भी अशुभ है, इसको मान के हम चलते हैं जी। अगर उल्लू की आँख की बात करें तो लकी मानते हैं, देखिए अब बोल देंगे तो बोलेंगे उल्लू के आँख के पीछे लोग लग जाएंगे और मेरे पीछे कुछ और लग जाएगा, तो इसलिए तो इसलिए उल्लू की आँख को शुभ माना गया है, कि उल्लू की आँख अगर, या उल्लू का पालना भी अच्छा माना गया है। उल्लू को अगर आप पालते हैं या उल्लू की आँख कहीं अगर आपको मिल जाती है तो वो अगर आप अपने घर में उसे रखते हैं तो लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको उल्लू मारने के लिए बाध्य कर रहा हूँ जी। और भी है, एक दो चीज और है जो आपने अभी तक नहीं पूछा, जैसे छिपकली हमारे यहाँ जो चलती है दीवालों पे, उसके बारे में मान्यता है कि दो अगर पोंच की छिपकली अगर कहीं दिखे तो उसे धीरे से उसे काट लीजिए और अपने घर में काले कपड़े में बांध के उसे टांग दीजिए या रख दीजिए, तो वहां भी लक्ष्मी जो है बहुत ज्यादा लक्ष्मी उस पर मेहरबान हो जाती है। तो चलिए आज से हम लग जाते हैं पंडित जी, और अपने जितने परिचित हैं उनको वो भी बता देते हैं कि वाकई अगर दो पूंछ वाली छिपकली आपके घर में है तो चुपके से प्यार से काट लीजिए उसको, और बिल्कुल तो लक्ष्मी का जो आकर्षण बना होता है उसमें इजाफा होगा। और पंडित जी से हम फिर पूछेंगे कि वाकई पंडित जी पैसे आ रहे हैं तो अब इसको खर्च किस तरह से करें, क्योंकि पंडित जी के पास बहुत सारे लोग अपने सवाल लेकर आते हैं। हमारे टीवी स्क्रीन पर पंडित जी का नंबर भी फ्लैश हो रहा है, आप उसको नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी हम कुछ देर में लाइव लोगों से भी जुड़ेंगे, क्योंकि जो सवाल हैं उनको भी पंडित जी कर लेंगे। लेकिन अगर हम प्रेम की बात करते हैं तो पंडित जी कई बार आज लगता है कि जो प्रेम विवाह है वो लगातार असफलता की कहानी सुनाने को मजबूर करता है। आपको लगता है कि वाकई प्रेम विवाह जो असफल होते हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई सोच होती है या फिर निगेटिविटी होती है? देखिए ऐसा है कि आशुतोष जी ने बड़ा सुंदर सा लगता है कि मन से प्रश्न किया है ये इनके जीवन में प्रेम बहुत महत्व रखता है ऐसा मैं देख रहा हूँ। कुल मिला के हम आपको ये बताएंगे कि प्रेम विवाह, लव मैरिज जो हम करते हैं, वो अचानक एक फ्लुक में रिलेशन बनता है और हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं। उसमें ये धारणा बिल्कुल चली जाती है कि ये किस व्यक्ति, कौन सी जाति का है, उसे क्या प्रमाण पत्र है, या ये इससे जन्म पत्री मिलती है या नहीं मिलती है, सिर्फ वही से शुरुआत, इमोशनल शुरुआत हो जाती है और हम प्रेम कर बैठते हैं, और फिर वो जाके बगैर पंडित जी से मिले हुए, बगैर सजेशन से लिए हुए, घर वालों से भी कभी कभी झगड़ के, माता पिता से रूठ के भाग के शादी करते हैं और जन्म पत्री नहीं मिलती है। ज़्यादातर इस तरह के प्रेम विवाह जिसमें जन्म पत्रियाँ नहीं मिलती हैं वो टूटते हैं, ये मेरा मानना है। अगर बाय द वे अगर आप लकी हैं, जन्म पत्री मिल गई तो फिर कभी कभी ऐसा होता है, तो नेचर जब मिलाना चाहता है तो बहुत कुछ मिला देता है, तो नेचर ने अगर कहीं आपको आशीर्वाद दे दिया तो बस ठीक है, वो आपकी जीवन सफल हो जाता है। लेकिन अभी ये अभी विवाह का जहाँ तक बात उठाया इन्होंने, और गुरु जैसे सिंह राशि में जाएगा विवाह वर्जित हो जाएगा 1.5 साल के लिए लगभग, ये 12 साल के बाद
ये आंकड़ा आता है 12 साल के बाद इस तरह जो है गुरु का प्रवेश होता है सिंह राशि में और वहां से विवाह जो है वर्जित हो जाता है। तो अभी आप देखें कि एक नई शुरुआत हुई है पूरी दुनिया में, उसे हम देख रहे हैं अंग्रेजी में अगर हम बोलते हैं लीव रिलेशनशिप। आज की युवा पीढ़ी पंडित जी बड़ी तेजी से भाग रही है, भाग रही है, तो वो लीव रिलेशनशिप में विश्वास करने लगे हैं कि हमें साथ रहना है लेकिन शादी नहीं करनी है, हमें प्यार करना है, हमें सब कुछ उसी तरह पत्नी की तरह करना है, हमें संभोग भी करना है, बच्चे पैदा अगर कर लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, उस पर ध्यान रखते हुए हम जो है लीव रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं जी। और ये दुनिया इस पर दुनिया में जो अभी का नया जनरेशन जो है इसको बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गया है। बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि न्यू जनरेशन की आप बात करते हैं तो बॉलीवुड का भी बड़ा योगदान होता है आम आदमी तक पहुंचने में। सैफ अली खान की बात करें हम, करीना कपूर की बात करें तो लंबे समय तक इनका साथ रहा, उसके बाद दोनों ने डिसाइड किया शादी के लिए। उसी तरह सोहाली और कुणाल खेमू का भी मामला सामने आया। देखिए कुणाल खेमू और सोहा अली की कहानी कुछ इस तरह चली कि 5 साल तक उन लोगों ने एक दूसरे को परखा समझा और फिर अभी कुछ दिन पहले शादी हुई है। लेकिन जहाँ तक करीना का सवाल है या सैफ का सवाल है, ये हमारे बहुत करीब हैं और इन्हें मैंने ही गाइड किया था कि आप दोनों की जन्मपत्री मिलती है और आप शादी कर लीजिए, लेकिन उन्होंने शादी में इसलिए डिले किया क्योंकि उनके पास काम बहुत था और वो बोका पाके फ्री होकर शादी करना चाहते थे जी। तो वो शादी इसलिए हुई है, उसमें रेप रिलेशनशिप रहते हुए काम की मार के वजह से, काम के लोड के वजह से वो शादी बटेले हुआ। लेकिन जन्मपत्री मैंने मिलाई थी और 27 गुण दोनों के मिले थे और दे आर सक्सेसफुल। बिल्कुल, ये मेरा मानना है। उसमें एक चीज हम और आते हैं कि शादी के लिए जो है ये समझ के हमें चलना है या रेप रिलेशनशिप के का जो मसला चल रहा है उसमें एक बात तो भाई नहीं आ रही है ना कि वो है 498। ये 498 जो मुकदमा है इसमें सारे के लड़के के लड़के वाले के सारे परिवार जेल में चले जाते हैं एक छोटे से मुद्दे पे और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है वो कानून, है ना। और जिसके वजह से जो है लोग इससे अब लड़कियों से शादी करने में डरने लगे हैं और लीव रिलेशनशिप की तरफ ज्यादा जाना यकीन करने लगे हैं कि भाई इसमें कम से कम लड़की जेल तो नहीं भेजेगी। तो ये भी बड़ा मुद्दा है और इस पर भी हमें विचार करना होगा। तो फिलहाल अब हम मेरे ख्याल से लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और हम लोग फिर हाजिर होते हैं आपकी सेवा में। और ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि वाकई दिल्ली में जो घमासान की स्थिति है क्या है, उसके पीछे का कारण पंडित जी बहुत ही प्यार से हमें समझाएंगे कि वाकई जो केजरीवाल वर्सेज मोदी सरकार में लड़ाई चल रही है या फिर जो भी असुविधाओं का अंबार लगा हुआ है उसको लेकर पंडित जी क्या कहेंगे। बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं और फिर हम कहेंगे त्रिकालदर्शी में आपका स्वागत है। तब तक आप देखते रहिए लेमन न्यूज और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. अच्छी खबर, तीखी खबर, सच्ची खबर, आम खबर, मीठी खबर, खास खबर, तेज खबर और अब सिर्फ खबर। दिन भर अब सिर्फ खबर लेमन न्यूज पर। के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप त्रिकालदर्शी देख रहे हैं पंडित सुभाषित राज जी के साथ, जो विश्व विख्यात हैं और टेलीविजन के इतिहास में पहली बार एस्ट्रोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और हम चाहेंगे कि फिर से पंडित जी से सवाल पूछते हैं कि दिल्ली में जो घमासान की स्थिति हम देख रहे हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है, पंडित जी कैसे देखते हैं? क्योंकि इन्होंने पहले भी कहा था, भविष्यवाणी की थी इसी कार्यक्रम में कि आने वाले दिनों में ये घमासान जारी रहेगा। पंडित जी इसके पीछे क्या तर्क देंगे आप? देखिए इसके पीछे बहुत सिंपल सा तर्क है और साफ साफ बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो घमासान चल रहा है ये खास तौर से ग्रह युति के कारण, कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लैनेट,
इसमें सूर्य मंगल बुध का अंगार योग है, गुरु कैंसर पर बैठे हुए हैं, और शनि जो है जो विकराल है, जो जो शनि का तो कोई जवाब ही नहीं है। शनि महाराज जो हैं वो मंगल की राशि यानी कि स्कॉर्पियो पे यानी कि वृश्चिक पर बैठकर वृषभ को देख रहे हैं, सुख को छीन रहे हैं। तो ये राजाओं की लड़ाई में जो कुर्सी, किसने बनाया राजा? हमने बनाया, जनता ने बनाया, आपने बनाया, और बनाने के बाद जब ये राजा बन के बैठ गए तो फिर इनके ऊपर वो ग्रह पकड़ आ गई, और उस ग्रह पकड़ के कारण यानी कि अशुभ ग्रहों का जो मिलन है उसके कारण अभी ये जो है ये घमासान चल रहा है। लेकिन इसके और दो कारण और भी हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो शपथ ग्रहण किया था वो काल सर्प दोष में संध्या को किया था, शाम को किया था, आपको याद होगा मेरे ख्याल से, कि ये जिस वक्त सूर्य भगवान डूब रहे थे यानी कि सन डूब रहे यानी कि जा रहे थे, उसी वक्त वो तो वहाँ से शुरू हुआ। एक हफ्ते के अंदर में उनके मंत्री का देहांत हो गया पूरी तरह, गोपीनाथ मुंडे जी का अचानक। तो ये सब बहुत से अजूब संकेत हैं जिसके कारण शांति नहीं हो पा रही है। तो मेरे ख्याल से इस पूरे कैबिनेट को दोबारा ओथ लेना चाहिए, दोबारा ओथ लेना चाहिए, और दोबारा जो है तब इसके बाद अच्छे मुहूर्त पर तब जाकर कुछ ना कुछ शांति सामने दिखेगी, वरना आप देखते जाइए अभी एक साल और ये तमाशा होता रहेगा, एक साल और। और इसी तमाशे के बीच पंडित जी हमने देखा कि राहुल गांधी भी जाके बैठ गए कर्मचारियों के बीच, जो सफाई कर्मचारी हैं, काफी लंबे समय से 3 महीने से इनको पगार नहीं मिला था। ये राहुल गांधी की बहानता है, राहुल गांधी का के जो राजनीतिक जो जो ऊंचाई और निचाई की बात अगर करेंगे तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा काम किया है, और राहुल गांधी के का पैर पड़ते ही, राहुल गांधी के जाते ही तुरंत सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये भी बात माननी पड़ेगी। जल्दी जल्दी पगार दे दिए गए, क्योंकि ये दोनों जो लड़ रहे थे कहीं ना कहीं से, ये सरकार वो सरकार वो सरकार ये सरकार, तो जब ये घुसे तो देखे कि भाई बाबाई तो ये आदमी लेके चला जाएगा, अभी तो ये झमेला बढ़ेगा, प्रॉब्लम बढ़ेगा, तो ये दोनों जो है लड़ाई छोड़ कर पैसे का बंटवारा करवा दिए। तो ये बड़ा ही घटिया काम हो रहा है भाई, इससे बड़ा घटिया काम क्या हो सकता है? बिल्कुल, आप उस कुर्सी पर बैठ के आप क्या कर रहे हैं आप जरा सोचिए। सिर्फ दुनिया घूम रहे हैं, फिर देश दुनिया को देख रहे हैं, आपके देश में क्या हो रहा है, आपके हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, गरीबों का क्या हो रहा है, किसानों का क्या हो रहा है, उसकी तरफ देखिए, नहीं देखेंगे क्योंकि शनि मंगल की होती है, वहीं पर आके हम फिर रुकेंगे जो आपको भ्रमित किए हुआ है और आप भ्रमित हो रहे हैं। बिल्कुल जी। और झाड़ू की बात जब भी होती है तो उससे सफाई होती है, लेकिन यहाँ पर विवाद का एक कचरा सा जमा हो रहा है। लेकिन अगर हम अच्छी खबर की बात करते हैं तो कहा जा सकता है कि पंडित जी आपने पिछले दिनों भविष्यवाणी की थी सहारा श्री के बारे में, सुब्रत राय जी के बारे में, कि शीघ्र ही जेल से वो रिहा हो जाएंगे, तिहाड़ जेल में वो बंद हैं। आपने कहा था कि आपका जो आकलन है बहुत जल्द बाहर आएंगे, उस बारे में हम जानना चाहेंगे कि अभी क्या स्थिति है। देखिए, ये स्थिति बिल्कुल साफ सुथरी है, सहारा श्री का तिहाड़ जेल से निकलने का समय जो है नज़दीक आता जा रहा है। मैंने एक डेट निकाल करके इसी टीवी चैनल के ऊपर मैंने कहा था कि भाई इस डेट पे के बाद ये एक दिन भी उसमें रुकेंगे नहीं, यानी कि अब समय आ गया है और समय नज़दीक है और सहारा सीरी किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल, ये तो मेरी भविष्यवाणी पहले हो चुकी है और आशुतोष जी ने इसे दोहराने की बात कही तो फिर मैं आपको दोहरा। और सहारा परिवार के लिए बड़ी खुशी की बात है कि उस परिवार में कितने परिवार जुड़े हुए हैं और कितने लोग, जो कि उन्हें वहाँ पर भी जनता जनार्दन का मामला है, तो सबको इस बात से खुशी होगी कि सहारा सीरी, मेरी भविष्यवाणी के मुताबिक, मेरे प्रिडिक्शंस और कैलकुलेशन के मुताबिक, सहारा सीरी के जन्मपत्री देखने के बाद ये कंप्लीट संकेत हो गया है कि वो अब बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल जी, तो वाकई अब सहारा से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए राहत की खबर है। लेकिन अगर हम रत्न की बात करते हैं तो एक पंडित जी नीलम का, जो नीलमणि कहा जाता है, नीलम को लेकर भी बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग सवाल होते हैं। आप उन लोगों के सवालों को किस तरह से दूर करना चाहेंगे जो समझ नहीं पाते कि नीलम को कई बार देखा गया कि रंग को राजा, राजा को रंग बना देने में बहुत अहम भूमिका होती है, आप क्या कहेंगे? देखिए, नीलमणि की जब बात आ गई यानी कि नीलम यानी कि सफायर की बात आपने अगर शुरू की है तो मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ABCL जो कंपनी थी, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिस वक्त वो पूरा फ्लॉप हो गया, पूरी की पूरी कंपनी फ्लॉप हुई। शुरुआत नीलम पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो ये बात इस बारे में ज़रूर करनी होगी कि नीलम एक ऐसा पत्थर है जो राजा से रंग और रंग से राजा बना देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो रंग तो नहीं हुए थे लेकिन बिल्कुल ABCL कंपनी जो है फ्लॉप हो गई थी, और इसके बाद अभी फिलहाल
जो स्थिति है वो ये है कि जो नीलम पत्थर है वो नीलम पत्थर किसी भी तरह से उन लोगों को ज़्यादा फायदा करता है जिनका लग्न कुंभ है। अमिताभ बच्चन जी का लग्न जो है वो कुंभ है और कोई दोराय नहीं, अगर नीलम आपको सूट कर गया तो फिर आप वारा न्यारा आपका हो जाएगा और आप राजा से रंक अगर आपको सूट नहीं किया और अगर सूट कर गया तो आप राजा से रंक और रंक से राजा बन सकते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। 24 घंटे के अंदर वो असर दिखाता है और ये बात जाके आप अमिताभ बच्चन जी से ज़रूर पूछिए कि उन्हें कितना नीलम पहनने के बाद फ़ायदा हुआ। आपने महसूस किया होगा टेलीविज़न चैनल पर हमेशा इसी तरह वो नीलम जो मेरे हाथ में भी ये दिखाते रहते हैं। पंडित जी हमारे साथ मलाड से कॉलर जुड़ गए हैं। राज बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अशुतोष जी। नमस्कार जी, पूछिए पंडित जी से क्या सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। पंडित जी, मेरा काम कुछ सही नहीं चल रहा है, जॉब में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आज 2-5 साल से जॉब भी मुझे नहीं सही मिल रहा है और बहुत बाधाएं आ रही है काम में। आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिर्फ मुझे बता दीजिए। 1970 5:10 5:10 पे समय बता रहे हैं? नहीं, 5 तारीख और 10वां महीना 5 अक्टूबर सन बोलिए, 10वां महीना 10वां महीना लिखा, ईयर बताइए ना आप। साल 1970 टाइम याद है? टाइम याद है आपको? टाइम सर कुछ याद नहीं है, इसीलिए थोड़ा दुविधा हो रही है सर मुझे। अच्छा, दिक्कत आ रही है। नाम फिर अपना पूरा नाम बताइएगा जरा सा, पूरा नाम। राज गढ़वी। आपको तो तकलीफ है, 1.5 साल अभी और आपको कष्ट है भाई साहब, और आपको हिम्मत से काम लेना होगा। समय बलवान है, तो कहने का मतलब ये है कि समय अभी आपका बिल्कुल निगेटिव चल रहा है, हिम्मत से काम लीजिए और लड़िए। और साथ साथ में आप एक पुखराज जरूर पहनिए, येलो सफ़ायर, एक पुखराज हाथ में इस उंगली में धारण कीजिए, इससे पहनिए, इससे आपको फायदा होगा जी। बिल्कुल सर, कितनी रत्ती का पुखराज रहेगा सर? 5 कैरेट का सोने में बनाकर गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे के दिन आप पहनिए और लोकल पंडित जी से उसका पूरा विधि विधान करा लीजिएगा, उसको जागृत करा लीजिएगा। ओके सर, ओके, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल, ये जो जागृत होने की बात होती है पंडित जी, तो कई बार सवाल उठता है कि हमारे पास सब कुछ होता है फिर भी हमें सुख का एहसास नहीं होता है। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, आपने भी महसूस किया होगा, तो उन लोगों के लिए भी पंडित जी का जो परामर्श की जो स्थिति है वो आप ले सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है पंडित जी के, उसको भी आप, और पंडित सुभाषित राज का जो एक वेबसाइट है, ईमेल के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं, suvashitraj@gmail.com। उसके अलावा www.suvashitraj.com पर भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थितियां निर्माण होती है, तो ऐसे में कहा जा सकता है पंडित जी की अपने भी कर्म होते हैं, लेकिन हम ये चलते चलते जानना चाहेंगे कि अगले हफ्ते हम आसाराम बापू के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे कि आसाराम बापू क्यों तकलीफें हैं, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे और फिर हम विदा लेंगे जी। आसाराम बापू के बारे में जैसे आपने चर्चा की, तो आप जानना चाहेंगे आसाराम बापू, देखिए अभी जेल से छूटने का समय लोगों का चल रहा है। एनीवे, आसाराम बापू को यह कष्ट क्यों हुआ, इसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल अपना व्यू देंगे आपका। उनके सुपुत्र जो है यंग जनरेशन, अभी जो यंग है बिल्कुल, उनके ऊपर भी हम बताएंगे। और अचानक इतना बड़ा साम्राज्य, धार्मिक साम्राज्य, जो लोगों की आस्था को तोड़ गया, लोगों का आस्था को चोट दे गया, उस पर भी हम विचार करके एस्ट्रोलॉजिकल बताएंगे। और ये क्या जो ये हो रहा है, इस तरह से लोगों को आस्था पैदा करना और लोगों का विश्वास पैदा करना, उसके बाद अंधेरे की दुनिया में ये लोग क्या क्या करते हैं और क्यों करते हैं, ये भी हम आपको इसके बारे में प्रकाश डालेंगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक। बिल्कुल, और यही कारण कि पंडित जी जब भी भविष्यवाणी करते हैं, कोई बात करते हैं, उसके पीछे तथ्यपूर्ण जानकारी भी देते हैं और तर्क भी देते हैं जो सही होता है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में पंडित जी की भविष्यवाणियों को लेकर जो भी आपके मन में सवाल है, शंका है, वो उसका समाधान कर सकते हैं। लेकिन जो भविष्यवाणी करते हैं, डिजास्टर की बात करते हैं, उसका मकसद होता है कि लोग सचेत हो जाएं, और जाहिर सी बात है आज की तारीख में सचेत होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में कोई दुविधा आपको मिलती है तो आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से चलते चलते पंडित जी, आपका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो त्रिकालदर्शी लगातार आप देख रहे हैं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है उसकी भी आप रिएक्शन ज़रूर हमारे पास भेजें, और जो भी आपके मन में सवाल है, दुविधा है, तो सुविधा के लिए पंडित जी से संपर्क करें। तो आज के त्रिकालदर्शी में इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए लेमन न्यूज़। नमस्कार।
हैं।